हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सेवर में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद कुरैशी। ये है दोस्तों एलजी का टीवी, बूफर वाला टीवी है। देखो आप, ये इसके ऊपर बूफर लगे हुए हैं और इसके अंदर सप्लाई आ रहा है। सप्लाई बनने के बाद में इसके अंदर सप्लाई लेड बताता है यहाँ पर। तो दोस्तों इसकी सप्लाई में पिन डाल लिए अपन ने और ये देखो सिर्फ कट करके आता है और इसके अंदर देखो पावर लाइट आ रहा है इसका और इसको प्रेस करें समझ लो। तो नो डिस्प्ले आता है। एलजी का 21 इंच बूफर वाला टीवी है, 21 इंच है ये बूफर वाला। तो चलो दोस्तों, नो डिस्प्ले बता रहा है और पावर सप्लाई में पावर लाइट इसका आ रहा है यहाँ पर, पर आगे कुछ इश नहीं बता रहा है। हेलो दोस्तों, इसका बैक कवर खोल लिया है अपन ने और इसका जो है ना, इसको कुछ तो भी लगा हुआ है तो इससे साइड के वजह से ये स्पीकर भी टूट के गिरा हुआ है इधर और ये भी नटा बोल्टा जोड़ सक। तो इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, ये एलजी का है बूफर वाला टीवी ये है दोस्तों और इसका एक किट है दोस्तों। और इसको चालू कर रहे थे दोस्तों, ये सप्लाई इसमें आ रहा है और प्रेस करने के बाद में इसमें पिक्चर टूप में कुछ ये नहीं हो रहा। तो अपन इसको एक बार और डबल चेक करके चेक कर लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले सप्लाई डाल लेंगे और देखें दोस्तों, इसमें सप्लाई डालने के बाद कट लेने का आवाज़ आता है और इसका लाइट भी आ चुका है। अपन इसके अंदर जो पिक्चर टूप का जो अपना ये रहता है हीटर भी नहीं आ रहा। तो अपन इसको प्रेस करके देखेंगे। सिर्फ बटन प्रेस करने के बाद सिर्फ अपना जो सप्लाई लाइट रहता है इंडिकेटर, वो सिर्फ ब्लिंग हो रहा है। सिर्फ ये देखो, ये ब्लिंग हो रहा है सिर्फ, ये देखो ब्लिंग हो रहा है सिर्फ। तो इसके अंदर देखेंगे किट में क्या प्रॉब्लम आया भाई। इसके पूरे जैक निकाल लेंगे पहले बाजू दोस्तों। इसका जो प्रॉब्लम है तो इसके अंदर जो ये ऐसे लगा है, ये पूरा हीटर है, ट्रांजिस्टर है पूरा हीटर है। गिरने की वजह से इसका ड्राई सोल्डर में पहले इसके ये ट्रांजिस्टर है, इसको ड्राई सोल्डर कर लेंगे पहले। ये देखो यहाँ पर जूम करता हूँ मैं थोड़ा, ये पहले बात ऐसा पहले सोल्डरिंग कर लेता हूँ मैं। सोल्डरिंग कर लिया दोस्तों, अब इसको सप्लाई डालकर देखेंगे कि बाकी इसको क्या है, कुछ तो भी तो नहीं है दोस्तों। ये जो हमने फिट कर लिए हुए इसकी वजह से अपना, ये देखो दोस्तों अभी इसके अंदर अपना लाइट भी बन चुका है इस प्ले बोर्ड। ये देखो ये चल रहा है और सामने हीटर भी आ गया पीछे टुप का। तो और दोस्तों इसके अंदर ये दोस्तों पैचेस आ गए इसके अंदर, स्क्रीन टीवी ओके हो चुका है। अपन एक बार और सप्लाई निकाल कर ये टीवी गिरने की वजह से प्रॉब्लम आया था दोस्तों। आप देखेंगे अपन ने पिन डाल दिए सप्लाई में, ये देखो ये ऑन हो चुका है अपना टीवी, स्क्रीन आ चुका है इसका। अब ये पैचेस का निकालेंगे दोस्तों, पैचेस का क्या करना है देखेंगे। इसका जो कॉइल रहता है पीटीसी कॉइल जो बोल, ये जो पीटीसी कॉइल है ये देखेंगे निकाल के, ये ख़राब तो नहीं है, ये निकाल लेंगे और बदल देंगे इसको। जो अपने पैसे वो चले जाएंगे दोस्तों। मैं इसे बाहर निकाल लेता पहले, ये यहाँ पर आ गया पीटीसी
सुन निकाल देंगे। दोस्तों पीटीसी निकाल लिया अपन ने, अब देखेंगे इसके जगह पीटीसी यहाँ पर पैचेस आ रहे थे अपन उसके वजह से ये निकाल लिए। इसको खोल कर देखेंगे क्या पीटीसी थोड़ा सी की होगी। दोस्तों निकाल लेंगे पीटीसी की जगह ये बिठा देंगे। तो पीटीसी का ही काम करता है दोस्तों ये यहाँ पर दो पैर का। चलो दोस्तों अब इसके पूरी वायरिंग बिठा लेंगे और फिर देखेंगे अपने पैसे कट हुए कि नहीं हुए। पूरी वायरिंग जिस पूरे जैक जो निकाले हुए ये पूरे बिठा लेंगे इसके। दोस्तों पूरी जैक पिन ने बिठा दिए, इसको सप्लाई डाल कर देखेंगे। दोस्तों अपना इसका आ चुका हीटर सामने देखेंगे। दोस्तों अपना पूरा टीवी क्लियर हो चुका है, ये देखो इसके अंदर ओके हो गया दोस्तों टीवी। वीडियो पसंद आने फिर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद।